सो हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बात करने वाले हैं नोस्टा प्रो एप्लीकेशन वर्सेस ड्रीम इलेवन के बारे में। यार, आईपीएल का टाइम चालू है और अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नोस्टा प्रो एप्लीकेशन या फिर ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जा रहे हो कि दोनों में से बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, हमें कौन से ऐप को यूज़ करना चाहिए और कौन से ऐप को यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो और यहाँ पर अब मैं एक चीज़ और बताऊँगा लास्ट में कि आपको किस ऐप को यूज़ करके आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और किस ऐप को यूज़ करके आप कम प्रॉफिट कमाओगे। तो यार चलिए वीडियो पे टाइम कमाए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोनों एप्लीकेशन में से कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा डाउनलोड्स है। तो यहाँ पर ज़्यादा डाउनलोडिंग के मामले में यहाँ पर ड्रीम इलेवन बाजी मार गया है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं ड्रीम इलेवन के टोटल डाउनलोड्स, और यहाँ पर ड्रीम इलेवन आपको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए यहाँ पर प्ले स्टोर पर बैन था ड्रीम इलेवन, लेकिन वापस से प्ले स्टोर पर ड्रीम इलेवन का अपलोड कर दिया गया है। अब वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में दोस्तों आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन नोस्टा प्रो एप्लीकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल से डाउनलोड करके मिलेगी, आपको प्ले स्टोर पर ऐप नहीं देखने को मिलने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है दोनों एप्लीकेशन में से किस ऐप में आपको यहां पर सिंपल यूआई देखने को मिलता है। अब मतलब यहां पर आप देखेंगे जब ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहां पर यूआई देखने को मिलता है कुछ अलग ही तरीके का। यहां पर दोस्तों आपको जो प्लेयर्स रहते हैं आपको प्लेयर्स को पिक करना पड़ता है और वो प्लेयर्स के हिसाब से आपको पॉइंट यहां पर कमाने पड़ते हैं और फिर जिस तरीके से आप पॉइंट कमाएंगे फिर उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन नोस्टा प्रो एप्लीकेशन में आपको दोस्तों प्रेडिक्ट करना रहता है कि अभी ये बल्लेबाज सिक्स मारेगा या फोर मारेगा या फिर इतने ओवर्स में आपको इतने रन बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, दोनों टीम का टोटल स्कोर कितना होगा, कौन सा प्लेयर 3 विकेट लेगा, 4 विकेट लेगा, आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको लाइफ लाइन भी दी जाती है, नीचे 3 तरीके की अलग अलग आपको लाइफ लाइन यहाँ पर दी गई है। अब आप उन लोगों में से यहाँ पर हेल्प लेकर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कुछ ऐसा ऑप्शन ड्रीम इलेवन में आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोनों एप्लीकेशन में से किस ऐप में आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मतलब आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। अभी आप जब ड्रीम इलेवन ऐप को जब फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी साइन अप बोनस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर मैं बात करता हूँ नोस्टा प्रो एप्लीकेशन की, तो आपको नोस्टा प्रो एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर डाउनलोड मतलब 100 रुपीज़ यहाँ पर आपको साइन अप बोनस यहाँ पर दिया जाता है और उस 100 रुपीज़ में से आप यहाँ पर 20% मतलब किसी भी अपने गेम को ज्वाइन किया है, जैसे कि समझ लीजिए गेम 100 रुपये का है तो अब उसमें से आप 20 रुपये आप अपने जो भी आपको प्रोमो रुपीज़ मिले हैं मतलब जो आपको 100 रुपये मिले हैं उसमें से 20 रुपये ऐड लगा सकते हैं और 20 रुपीज़ दोस्तों आपको अपने पेटीएम वॉलेट से या फिर UPI से आपको यहाँ पर ऐड करने मिलेंगे। दोस्तों आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, सेम आपको ड्रीम इलेवन के अंदर कि आप यहाँ पर ड्रीम इलेवन में कोई भी आपको साइन अप बोनस यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है, आपको सारे पैसे खुद ही लगाने पड़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूजर्स। अभी आप यहाँ पर देखेंगे किसी भी एक कॉन्टेस्ट के अंदर यहाँ पर ड्रीम इलेवन में भर भर के लोग हैं। यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट है यार, आज CSK से दिल्ली का मैच है तो आप यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट यहाँ पर लगा हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसके अंदर दोस्तों टोटल 17 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। टोटल दोस्तों 17 लाख से ज़्यादा मतलब टोटल 17 लाख लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया है जिसमें से सिर्फ 1 लाख लोगों तक ही आप ये अवार्ड दिया जाएगा और दोस्तों जो यहाँ पर फर्स्ट आने वाला है उसको 20 लाख रुपीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टोटल इनामी राशि दोस्तों कुछ यहाँ पर 6 करोड़ है, उसके हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे। लेकिन दोस्तों आपको कुछ ऐसा नोस्टा प्रो एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। आप जब मतलब कुछ हायर अमाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पर हायर अमाउंट दोस्तों को 40,000 50,000 ज़्यादा दोस्तों आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 लाख, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैंने तक फिलहाल सिर्फ 50,000 ही देखे हैं, आप स्क्रीन पर इस टाइम देख भी सकते हैं। उन 50,000 रुपये में दोस्तों आपको सिर्फ 2 प्लेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे लगाने के लिए, मतलब आप दोस्तों आपको यहाँ पर 2 प्लेयर मिलकर पैसे लगाएंगे और उनमें से कोई एक बंदा जीतेगा और एक बंदे के पास पूरे पूरे पैसे चले जाएंगे, बाकी के यहाँ पर पैसे आप हार जाएंगे। लेकिन ड्रीम इलेवन में दोस्तों आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है कि हाँ आप 75 का भी लगा सकते हैं, 76 का लगा सकते हैं, 5 रुपये का, 10 रुपये का भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको नोस्टा प्रो ऐप में एक और चीज़ का यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पर ड्रीम इलेवन में कोई भी अगर आपको फ्री में अगर आपको सोचते हैं कि मैं फ्री में आप प्रैक्टिस मैच में पैसे कमा पाऊँ, लेकिन आप नहीं कमा पाएंगे प्रैक्टिस मैचेस में, आपको सभी फ्री होती है। लेकिन आपको नोस्टा प्रो ऐप में आपको यहाँ पर एक देखने को मिलता है जहाँ पर टोटल दोस्तों 10,000 सीट्स रहती है, उसमें सिर्फ एक बंदा सिर्फ 1 रुपये जीत सकता है। तो अभी मेरी बात माने तो आपको दोनों एप्लीकेशन दोनों के दोनों बेकार हैं, दोनों ऐप से भी आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, तो प्लीज़ यार टाइम वेस्ट मत करो। हो सकता है दोस्तों किसी किसी की प्रिडिक्शन काफ़ी बेहतरीन हो, सिर्फ वही बंदे यहाँ पर ट्राई करें जो मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई
चलो हम लोग पैसे कमाने के लालच में लोग जो आ रहे हैं बताओ, क्योंकि ये ऐप आपको यहाँ पर डुबा जाएगी आपके सारे के सारे पैसे, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया रहेगा कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर मैं बात करता हूँ फिर भी दोनों ऐप में से कौन सा ऐप बेटर है, तो अब मेरी बात मानेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए, तो फिर भी आपको जितना रिटर्न मिल जाएगा वो दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पर नोस्टा प्रो एप्लीकेशन में। मेरे हिसाब से नोस्टा प्रो एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर है ड्रीम इलेवन से। तो आई होप अभी मुझे आप लोग के कमेंट्स जानने हैं कि आप लोग को क्या लगता है, ड्रीम इलेवन बेटर है या नोस्टा प्रो एप्लीकेशन बेटर है। अगर आपको कुछ और ऑप्शन है जो फैंटेसी क्रिकेट यहाँ पर प्रमोट करते हैं कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।